नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने कुछ टाइम पहले नवाज के भाई मिनाजुद्दीन पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था और उन्होंने दिल्ली में मिनाजुद्दीन के अगेंस्ट एक केस भी रजिस्टर करवाया था। आज ये सामने आया है कि उन्होंने मिनाजुद्दीन के अगेंस्ट एक और केस रजिस्टर करवाया है और इसमें उन्होंने अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में पूरी डिटेल से बात की है। ये पूरी इंफॉर्मेशन बहुत भयानक है। नवाज की भतीजी ने बताया कि मिनाजुद्दीन ने उनके साथ ये सब कुछ पहली बार तब से शुरू किया जब वो सिर्फ 9 साल की थी। उन्होंने 2017 का एक इंसिडेंट बताया जब मिनाजुद्दीन उनके रूम में घुस आए थे और उन्हें गलत तरीके से छूना शुरू किया। जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो मिनाजुद्दीन ने अपनी बेल्ट निकाली और पूरे 5 मिनट तक उनकी चेस्ट और बैक पर मारते रहे थे। अब देखना यह है कि पुलिस का इस केस में क्या एटीट्यूड रहता है, क्योंकि नवाज की भतीजी ने अपनी कंप्लेंट में यह भी लिखवाया है कि उन्होंने जब पहली बार अपने बड़े पापा यानी नवाज को इन इंसिडेंट्स के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि तुम ये झूठी कहानियां बताने के लिए कौन सी फिल्में देखती हो। ये सब कुछ बहुत भयानक है और देखते हैं आगे क्या होता है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की अडोरेबल क्वारंटाइन पिक्चर्स ने हम सभी का दिल जीत लिया है। उनकी केमिस्ट्री इतनी अमेजिंग है कि अब तो पब्लिक के साथ साथ कार्तिक आर्यन भी उनकी जोड़ी के बहुत बड़े फैन हो गए हैं। In fact, recently when he was asked what sort of a girl would he like to marry, he said someone like Deepika Padukone, जो अपने हस्बैंड को प्राउडली शो ऑफ करे। That's not all. जब लाइव चैट के दौरान उनसे एक फैन ने पूछा कि आप कटरीना कैफ के साथ कब फिल्म करेंगे, तो कार्तिक ने कहा वैसे मैं दीपिका के साथ भी अच्छा लगता हूँ, क्या आपको हमारी भी पेयरिंग अच्छी लगेगी। क्लियरली कार्तिक दीपिका के साथ काम करने को उतने ही ईगर है जितने हम उन दोनों को साथ में बिग स्क्रीन पे देखने को उतावले हैं। टीवीएफ फेम सुमित व्यास एंड एकता कौल, जो कि टीवी के मोस्ट अडोरेबल कपल्स में से एक हैं, हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय टुडे। सुमित ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे न्यूज शेयर करते हुए कहा दैट इट्स अ बॉय हु हैज बीन नेम्ड वेद एंड मामा एंड डैडी आर एक्टिंग क्लीशे एंड स्मॉथिंग द चाइल्ड विद लव एवरी नाउ एंड देन। वेल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस गाइस, वी होप दैट द मदर एंड द बेबी आर हेल्दी एंड किकिंग। हाल ही में खबर आई थी कि बैरिस्टर बाबू नाम के सीरियल में देवरीना भट्टाचार्य जी नजर आ सकती हैं और इस शो में एक लीप आएगा। हालांकि प्रोड्यूसर सुमित मित्तल ने इस खबर को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हमने शो के लिए किसी को भी अप्रोच नहीं किया है और शो में कोई भी लीप नहीं आएगा। हमारे पास बताने के लिए भी काफी कहानी है, इसलिए बंदिता यानी औरा भटनागर के साथ ही इस शो को जारी रखा जाएगा। वहीं एक ऑनलाइन मीडिया पोर्टल ने कहा कि देवरीना भट्टाचार्य जी को अप्रोच किया गया था लेकिन उनकी फीस को देखते हुए मेकर्स ने ये फैसला वापस ले लिया। वेटरन डायरेक्टर बासु चैटर्जी पास्ड अवे टुडे एट द एज ऑफ 90 इयर्स। 70s और 80s में मिडिल क्लास के अराउंड लव स्टोरीज बुनने वाले डायरेक्टर अब नहीं रहे। उन्होंने रजनीगंधा, छोटी सी बात, चिच्चोर जैसी फिल्में बनाई थी। उनका देहांत आज यानी थर्सडे को एज रिलेटेड एलिमेंट्स की वजह से हुआ है। उनके लास्ट राइट सांताक्रूज क्रेमेटोरियम में परफॉर्म किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर जैसे लोग उनको अपनी आखिरी श्रद्धांजलि भी दिया है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े सारी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फॉलो करें देसी मार्टिनी को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।